हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आप आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके पिक्चर में एक मैप बना हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरी का भी क्वेश्चन है और मैप का भी क्वेश्चन है। यानी आपके जो तीसरा और चौथा मैप है वो इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण है। तो ये इटली और जर्मनी का एकीकरण, ये थ्योरी में भी आपके क्वेश्चन आता है और मैप में भी क्वेश्चन आता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली इटली और जर्मनी के एकीकरण से एक क्वेश्चन, चाहे वो मैप में चाहे थ्योरी में, ये ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो देखिए, अब जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो थ्योरी और मैप दोनों ही करने जा रहे हैं, और वो है इटली का एकीकरण। वैसे जो आपके चैप्टर का नाम है वो इटली तथा जर्मनी में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में है, नेशनलिज्म इन इटली एंड जर्मनी। तो देखिए, 19वीं शताब्दी जो थी उसके पूर्वार्ध में, यानी 1800 से लेकर और लगभग 1800 से लेकर लगभग 1850 तक, हम इसको कहते हैं पूर्वार्ध, और 1850 से फिर 1900 जो है उसको कहते हैं हम उत्तरार्ध, चाहे वो कोई भी शताब्दी हो। जैसे 17 सेंचुरी है तो 1700 से लेकर 1750 तक उसका पूर्वार्ध कहा जाएगा, यानी पूर्व के मतलब के आधा, ठीक है। और उसके बाद का यानी 1750 का उसको कहा जाएगा उत्तरार्ध। तो आप देखिए कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राष्ट्रवाद का विकास यूरोप में बहुत तेज़ी से हुआ। राष््ट्रवाद तो आप समझते हैं, राष्ट्रीय भावना क्या होती है, कि किसी एक क्षेत्र विशेष से लगाव की भावना। तो राष्ट्रवादी जो भावना थी उसका जो विकास हुआ था उसमें बहुत बड़ा योगदान था फ्रांस की क्रांति का। और फ्रांस की क्रांति के बाद जो नेपोलियन शासक बना था फ्रांस का, उसने पूरे विश्व पर आक्रमण किए थे। तो फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के आक्रमण का बहुत बड़ा रोल था इटली और जर्मनी के एकीकरण में, क्योंकि आप जानते हो कि फ्रांस की क्रांति ने यूरोप के लोगों में समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद और भ्रातृत्व जैसे नए विचार जो है दिए थे। तो आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो होगा इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो देखिए, ये जो है 19वीं शताब्दी में इटली का एकीकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक घटना मानी गई है। इटली एक ऐसा देश था जो कि प्राचीन काल से ही उसने बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई थी। एक तो आप जानते हो, आपने पिछले सेमेस्टर में रोमन सभ्यता के बारे में पढ़ा, रोमन साम्राज्य, रोम, इटली, आपको ध्यान होगा, ठीक है। प्राचीन सभ्यता रही है रोम की, रोम और यूनान दोनों सभ्यता आपने पढ़ी है। और दूसरी बात ये कि धार्मिक दृष्टि से ये देश बहुत महत्वपूर्ण था। कारण क्या था, जो इसकी राजधानी थी ना रोम, ये आपको नज़र आ रही है नक्शे में रोम, रोम का जो पोप था वो पूरे ईसाइयत का धर्माध्यक्ष था। तो धार्मिक दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पोप की जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो इसी राज्य से, इटली से ही चल रही है, इटली में भी रोम से। लेकिन 1815 तक इसका राजनीतिक और धार्मिक महत्व लगभग समाप्त हो गया था, एंड इट बिकेम मेयरली अ ज्योग्राफिकल एंटिटी, ये केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र रह गया था इटली। तो देखिए, ये परिस्थिति थी। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें इटली को, इफ़ यू लुक एट इट ज्योग्राफिकली, तो यूरोप के दक्षिण में, यूरोप का मैप आपने देख ही रखा है, यूरोप के दक्षिण में ये भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा सा देश है।
आपको ध्यान होगा वर्ल्ड मैप में मैंने आपको इटली बताया था और उसी भूमध्य सागर में यूनान के बारे में बताया था आपको, जब यूनान की सभ्यता हमने पढ़ी थी। तो इस मतलब इटली को एल्प्स माउंटेन है यूरोप में, उसका दक्षिणी भाग भी कहा जाता है। तीनों ओर से आप देखो समुद्र से घिरा हुआ है। ये ट्रायनियन सागर है, ये एड्रियाटिक सागर है, ठीक है। पूर्व में तो एड्रियाटिक सागर है, ये पूर्व है, और पश्चिम में ट्रायनियन सागर है, ठीक है। आप इसके दक्षिण पूर्व में देखो तो आयोनियन सागर है, ये भूमध्य सागर है सारा, ठीक है। इधर ऑटोमन साम्राज्य था। तो आप ये देखिए कि इस तरफ जो है ये नेपल्स और सिसिली के राज्य हैं। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागर में ये सबसे बड़ा द्वीप है, ये इसको कहते हैं सार्डिनिया, ये स्थित है। तो प्राकृतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये देश कई खंडों में बटा हुआ है और समय समय पर इसका राजनीतिक विभाजन होता रहा और प्रांतीयता, भाषा और जाति आधार पर ये एक डिवाइडेड कंट्री रहा, ठीक है ना। मतलब आप ये देखो कि कितने सारे इसके अंदर राज्य थे। तो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन फिर भी विदेशी आक्रमणकारियों का ये शिकार होता रहा। बहुत सी यूरोपीय शक्तियों ने भी इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। तो अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो 1815 में अगर हम इटली की स्थिति देखें तो इसको चार भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो नॉर्दर्न इटली, ये जो क्षेत्र है दिस इज़ नॉर्दर्न इटली, यहाँ पे तो राजतंत्र स्थापित था। फिर विदेशी प्रशासन वाला ये जो एरिया है, ये पाओ घाटी का क्षेत्र है। इसके बाद ये मध्य इटली है जो कि पोप का क्षेत्र है, पोप के प्रभुत्व वाला क्षेत्र, और ये दक्षिणी इटली है जिसमें नेपल्स और सिसिली के राज्य आते हैं, ठीक है। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के आक्रमण के परिणाम स्वरूप इटली के लोगों में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ और फिर कुछ समय पश्चात ही इटली के एकीकरण के लिए आंदोलन शुरू हो गया। बहुत से आंदोलनकारी महत्वपूर्ण रहे और ये जो आंदोलन था ये मुख्यतः 1848 के पश्चात जो है आरंभ हुआ। तो इसमें देशभक्तों के जो नाम हैं, जैसे तीन प्रमुख नाम आते हैं, कैवूर, गैरिबाल्डी और मेज़िनी। ये तीन प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1848 के आसपास ये शुरू हुआ और 1870 तक ये संपन्न हुआ। एकीकरण के लिए दो राज्य थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वो कौन कौन से राज्य थे? एक तो पीडमोंट और एक सार्डिनिया का राज्य। ये दो राज्य थे, इन दो राज्यों के अधीन मुख्यतः इटली का एकीकरण हुआ था। तो इसके ना विभिन्न चरण हैं इटली के एकीकरण के। तो आज हम पहला चरण पढ़ने का प्रयास करेंगे कि पहले चरण में क्या क्या हुआ। तो देखिए, सबसे पहला जो कारण था इटली के एकीकरण का, वो था फ्रांस की क्रांति। आप भी आश्चर्य मान रहे होंगे कि फ्रांस की क्रांति का इटली पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर आप देखें तो इटली और यहाँ पे लगभग ये स्विट्ज़रलैंड है और फिर फ्रांस है, तो ज़्यादा दूरी नहीं है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने इटली पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़े। क्या था कि उस समय इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ये राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसके उत्तर में जो एक प्रदेश था
मिलान, ये आप मैप में ध्यान से देखेंगे, आप मैप साथ में रख लें बेशक। ये जो मिलान था इस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। अगर आप देखें, अगर यूरोप के नक्शे में देखें, तो मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, फिर जर्मनी, जर्मनी के दक्षिण में फिर ऑस्ट्रिया हंगरी, तो ये ऑस्ट्रिया जो है इसके उत्तर में पड़ता है। तो मिलान का जो राज्य है ना, ये मिलान के राज्य पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित था। और पार्मा, मोडेना, टस्कनी, ये इटली में राज्यों के नाम हैं। पार्मा, मोडेना, टस्कनी, ये जो तीन राज्य हैं, और एक लुका, ये पार्मा, मोडेना, टस्कनी, लुका, इन पर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग जो वंश था उसका प्रभुत्व स्थापित था। ऑस्ट्रिया है ना, ये ऑस्ट्रिया ने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था। मिलान है, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, लुका, इन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था। फिर इटली के उत्तर पश्चिम में पीडमोंट का राज्य था। पीडमोंट मैंने आपको अभी बताया था, ये उत्तर पश्चिम में पीडमोंट का राज्य था। इसमें निस और सेवॉय के राज्य आते थे। देखो, ये निस, ये सेवॉय, ठीक है, और कुछ भाग सार्डिनिया के भी इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, पीडमोंट का जो राज्य था इसके अंदर निस, सेवॉय और सार्डिनिया के कुछ राज्य, कुछ भाग सम्मिलित थे। इसमें वेनिस और जिनेवा भी सम्मिलित थे। देखिए, ये तो वेनिस है और ये जिनेवा, ये भी जो है इस राज्य के अंतर्गत आया करते थे। और मध्य इटली में आप जानते हो कि पोप का राज्य था, और दक्षिण में आप देखो नेपल्स और सिसली के राज्य थे। इनमें, इन राज्यों में कभी भी एकता देखने को नहीं मिली। तो फ्रांसीसी क्रांति ने इन विभिन्न राज्यों और विचारधाराओं में जो अलग अलग लोग बटे हुए थे, उनमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना को विकसित कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति का यह प्रभाव रहा कि जो अलग अलग राज्य थे, कोई किसी के अधीन है, कोई ऑस्ट्रिया के अधीन है, ठीक है, पोप अपना अलग राग अलाप रहा है, ये राज्य अलग है, नेपल सिसली अलग है, इनमें कोई एकता नहीं थी। इटली पूरी कंट्री नहीं था, बल्कि अलग अलग राज्यों का एक जमघट था। तो फ्रांसीसी क्रांति ने इटली के लोगों में समानता, भाईचारे की भावना को विकसित किया। दूसरा जो कारण माना जा सकता है, या दूसरा मतलब चरण में दूसरा जो पॉइंट है, वो है नेपोलियन के कार्य। देखिए, नेपोलियन जो है एक आक्रमणकारी था, फ्रांस का शासक था, महत्वाकांक्षी था, और संपूर्ण यूरोप को वो अपने अधीन करना चाहता था। इनफैक्ट संपूर्ण यूरोप को उसने नतमस्तक कर दिया था अपने आगे, अपने आक्रमण कर करके। तो उसकी इच्छा थी कि इटली के ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पर वो कब्जा करे। तो उसने क्या किया कि इटली पर जब आक्रमण किया, 1796 से लेकर 1809 के बीच उसने अनेक आक्रमण किए, और लगभग सारी इटली को उसने फ्रांसीसी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि इटली में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई। ऐसे ही जैसे भारत पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, तो भारत में राजनीतिक एकीकरण हुआ था, क्योंकि एक जैसा सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया था। तो फ्रांस के शासक नेपोलियन ने भी ऐसे ही किया, उसने भी इटली में संवैधानिक और प्रजातांत्रिक संस्थाएं स्थापित की, विच प्रूव टू बी ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, वो वरदान साबित हुई। इटली वासियों ने तो उसका जो स्वागत था वो परिमोचक के तौर पर किया। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, तो ऑस्ट्रिया की हार पर खुशियां मनाई गई। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया ने इटली के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था, ठीक है ना, और इटली के एकीकरण में एक बहुत बड़ी बाधा जो है ऑस्ट्रिया थी। वैसे भी आप देखिए कि सामंतवाद व्यवस्था की समाप्ति हुई,
आंतरिक व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो प्रतिबंध ख़त्म हो गए। तो इस तरह से नेपोलियन और फ्रांस की क्रांति ये एक बहुत महत्वपूर्ण देन थी, ये कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण की शुरुआत ही इस कारण हुई थी। लेकिन जब इटली को फ्रांस ने अपना उपनिवेश बनाया, जब कॉलोनी बनाया, तब इटली वासियों को जो बड़ा धक्का लगा उनके आत्मसम्मान को। नेपोलियन ने बहुत प्रकार के कर भी लगाए इटली वासियों पर और बहुत सी महत्वपूर्ण कलाकृतियां वो अपने साथ फ्रांस भी ले गया। तो इसलिए इटली अब फ्रांस के खिलाफ हो गया और अनेक भौगोलिक और राजनीतिक बाधाओं को तोड़कर वो एकता के सूत्र में बंध गया। मतलब हमें ये देखना है कि ये अलग अलग राज्य जो हैं, ये पार्मा, मोडेना, टस्नी, लोम्बाडी, विनीशिया, नेपल, सिसली, रोम, ठीक है, ने सिवाय साड़ीगिया, ये एक इटली में कैसे आ गई। तो पहले तो विचार जागृत हुआ एकीकरण का, और वो जब विचार जागृत हुआ तभी जो है संभव हुआ। तो देखिए ये कैसे विचार कैसे जागृत हुआ, विचार जागृत हुआ फ्रांस की क्रांति के कारण और नेपोलियन के आक्रमण के कारण। 1815 के बाद ऑस्ट्रिया ने, मतलब जब नेपोलियन पराजित हो गया, 1815 तक नेपोलियन पराजित हो गया था, नेपोलियन को ट्रफेलगर और वाटरलू जैसे बैटल्स में हारना पड़ा था और उसको फिर अपमानजनक जीवन बिताना पड़ा। सेंट हेलेना के दुर्ग में वो काफ़ी समय तक बंद रहा, 1821 में उसकी मौत हो गई थी। तो 1815 तक नेपोलियन हार गया था। तो 1815 के बाद ऑस्ट्रिया ने इटली पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और इटली पर उसने अपना प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित कर लिया था। लेकिन निश्चित रूप से नेपोलियन और फ्रांस की क्रांति ने इटली के एकीकरण को प्रेरणा दी, बहुत बड़ी प्रेरणा थी। ये समझ लीजिए कि इटली का एकीकरण ही फ्रांस और नेपोलियन के कारण हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण घटना की, जिसको कहते हैं वियना कांग्रेस। ये क्या था? वियना तो आप जानते हो शायद, ये जो ऑस्ट्रिया आपको दिख रहा है इसकी राजधानी हुआ करती थी वियना, या अब भी राजधानी है वियना, ठीक है। क्या हुआ था कि नेपोलियन को पराजित करने के बाद जो विजेता राष्ट्र थे उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था जो नेपोलियन ने पुराने राजवंश ध्वस्त कर दिए थे, पराजित कर दिया था बहुत सारे राजवंशों को, उनको पुनः स्थापित करना और यूरोप का पुनर्निर्माण करना। लेकिन 1815 में यूरोपीय राजनीतिज्ञ इटली की भावनाओं से पूर्णतः अनभिज्ञ रहे, उदासीन रहे। बड़ी बड़ी जो शक्तियां थी उस समय, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रशा यानी जर्मनी, उसने वियना कांग्रेस में अपने जो निर्णय लिए उन निर्णयों में इटली को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। तो क्या व्यवस्था की गई कि जिनोवा और सेवाय के जो प्रदेश थे, जिनोवा, ठीक है, और सेवाय के जो प्रदेश थे, ये और ये प्रदेश पीडमोंट को दे दिए गए। सार्डिनिया का जो प्रदेश था, इस सार्डिनिया का प्रदेश को भी पीडमोंट के राज्य में मिला दिया गया, यानी सेवाय, जिनोवा और ये जो सार्डिनिया था ये पीडमोंट के राज्य को दे दिया गया और विक्टर इमैनुअल को पीडमोंट का शासक बना दिया गया। यानी अब यूरोपीय शक्तियों ने इटली का एक तरह से पुनर्निर्माण किया। लोम्बार्डी जो होता था ये, इस पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व पुनः स्थापित कर दिया गया और विनीशिया भी ऑस्ट्रिया को प्रदान कर दिया गया। यानी ये जो क्षेत्र थे ना, लोम्बार्डी और विनीशिया, ये भी ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। सार्डिनिया, सेवाय, जिनोवा, ये पीडमोंट में मिला दिए गए।
पोप के जो प्रदेश थे वो पोप को वापस सौंप दिए गए, और इस प्रकार इटली के जो मध्य क्षेत्र थे, ये मिडल इटली, ये पोप का शासन यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। और जो पार्मा मोडेना टस्कनी जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो राज्य थे पार्मा मोडेना टस्कनी, ये राज्य इनको फिर से ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश के राजकुमारों को वापस सौंप दिया गया। और नेपल्स का जो राज्य था, इसमें फ्रांस के बुर्बो राजतंत्र की पुनर्स्थापना कर दी गई, और उसे शक्तिशाली बनाने के लिए सिसिली का जो राज्य था, ये दो सिसिली के राज्य कहलाते थे, इसको भी फ्रांस को सौंप दिया। यानी देखिए, ये क्षेत्र तो ऑस्ट्रिया के अधीन हो गए, ये फ्रांस के अधीन हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार 1815 में इटली एक बार फिर राजतंत्रों, रूढ़िवादी चर्च, यहाँ पर चर्च का राज्य हो गया, इधर फ्रांस का राज्य हो गया, इधर ऑस्ट्रिया का राज्य हो गया, तो इसमें बांट दिया गया। तो राजनीतिक एकता का अभाव था, जैसे कि मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने एक बात कही थी कि इटली तो अब केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति रह गया है, इटली वास्तव में कोई देश नहीं है। और वियना में जो समझौता हुआ, उसने, एक इतिहासकार ने कहा है कि उसने इटली के राष्ट्रीय विकास को 100 साल पीछे धकेल दिया। तो आप ये देखिए कि वहाँ की जो जनता थी, उनको ये बात सिद्ध करनी थी कि इटली एक संगठित जनसमूह है, जिसकी अपनी एक संस्कृति है, एक अर्थव्यवस्था है, एक इतिहास है, भाषा है, एक पर्टिकुलर उसकी भूमि है, उसकी भौगोलिक सीमा है, ये सिद्ध करना था। तो वियना कांग्रेस में जो निर्णय लिए गए, उन निर्णयों ने इटली के लोगों को एकीकरण के लिए प्रोत्साहित किया। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।